हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट क्यों क्रैश कर गया है और इस सिचुएशन आपको करना क्या है। तो थोड़ा सा डिटेलिंग में बात करते हैं इसमें, और इसका न्यूज़ भी देखेंगे किसके कारण हुआ है ये चीज़। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोइन 360.com में अगर देखेंगे तो आपको देखिए पूरा लाल ही दिख रहा होगा, सारा नेगेटिव में चल रहा है पूरा मार्केट, खासकर क्रिप्टो मार्केट। यस, ये स्टॉक मार्केट में भी ये सेम चीज़ असर हुआ, उसके कारण ही यहाँ पर भी आपको क्रिप्टो मार्केट में भी आपको सारा का सारा नेगेटिव में जाते हुए देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखिए अभी ऑलमोस्ट 10% में आसपास ट्रेड कर रहा था, -10% के आसपास ट्रेड कर रहा था, अभी थोड़ा सा पॉजिटिव नज़र इसमें आया है। अगर इथेरियम को भी देखेंगे तो वही है, सोलाना आपका जितना भी हम लोग का जो बड़े मेन टोकन्स जो टॉप 15-20 टोकन्स है, सारे का यही हाल है। और ये सब आपको हराम इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये सब स्टेबल टोकन सब है, ठीक है। सो गाइस, यही है। अगर इसका किसके कारण ये नीचे गया, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखिए बिटकॉइन फॉल्स टू $43K के आसपास, जब से इनका जो मीटिंग हुआ फेडरल रिजर्व का जो मीटिंग हुआ, उन्होंने ये कह दिया कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा देंगे 2022 में। तो इसकी वजह से अगर आप देखोगे टोटल जो US मार्केट भी है वो पूरा नीचे क्रैश कर गया है आज के लिए। अब देखिए इसको स्टेबल होने में तो टाइम लगेगा, बट यस ये स्टेबल हो सकता है, वो आने वाले टाइम पे पता चलेगा, कल परसों तक में जो पता लगना चाहिए लग जाएगा, ठीक है। बट ऑल ऑफ सडन ये सबको लग रहा था कि ये चीज़ आएगा मार्केट में, बट इतना जल्दी आएगा ये किसी ने सोचा नहीं था, ठीक है। सो गाइज़, अगर आप भी अभी सोच रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए, तो गाइज़ इसीलिए हम हमेशा बार बार आपको भी बोलते हैं कि आपका पूरा फंड आपको कभी एक साथ नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे सो ये जो फॉल हुआ यहाँ पे, ठीक है, देखिए यहाँ, अरे ये मेरा लाइन ऊपर चला गया था आसपास यहाँ पे, ठीक है। हाँ, ये जो सपोर्ट है ये हम लोग इसी को वेट कर रहे थे कि, क्योंकि देखिए अगर आप टोटल मार्केट देखते हो यहाँ पे, देखिए सब के सब एक जगह से फॉल हुआ है, सब के सब फॉल हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई एक या बिटकॉइन ही फॉल हुआ है, इथेरियम फॉल हुआ है, पूरा मार्केट ही नीचे जा रहा है। क्योंकि एक बार मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट चला जाता है तो सबके सब सेल आउट करने चालू कर देते हैं, खास करके जो बड़ा प्लेयर सब है। छोटा प्लेयर को इतना असर भी नहीं पड़ता है सबसे, क्योंकि उसके लिए अगर वो 5-10 हज़ार रुपये लगाता है, 10% नीचे होता है तो ज़्यादा कुछ उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो तो और खुश होता है कि और ऐड करे उसमें, ठीक है। लेकिन बड़ा प्लेयर जब निकलते, क्योंकि उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है और लॉस मार्जिन वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है उन लोगों का, ठीक है। सो हम लोग को यहाँ पे था कि देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट था, हम लोग इसको वेट कर रहे थे, अगर ये सपोर्ट को अगर रेसिस्ट कर लेता, अगर यहाँ पे इसको सपोर्ट अगर यहाँ रेस्पेक्ट करता है इसको, तो हम लोग को यहाँ से अप देखने को मिलता। बट इसी वक्त जब से ही ये नेगेटिव न्यूज़ आया तो उसके बाद से मार्केट देखिए पूरा का पूरा क्रैश कर गया था। ये कैंडल देखेंगे तो यहाँ से कितना परसेंट का आसपास है, वही 8-10% का यहाँ पे 10% तक का आपका फॉल है। तो यस, हम लोग को यहाँ पे और नीचे सपोर्ट है, अच्छा खासा सपोर्ट है यहाँ पे, इसको सपोर्ट ले। हम चाहते हैं कि ये जो अगला जो 5 से 6 दिन हो यहाँ तक भी अंदर, इसके अंदर भी रहे और कोशिश करें कि इस जो अभी जो सपोर्ट को तोड़ा, अगर ये रेसिस्टेंस को अगर ये तोड़ता है तो हम लोग को एक मूव देखने को मिलेगा। बट फिलहाल अभी मार्केट में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो आप लोग भी थोड़ा पॉजिटिव रहिए और हो सकेगा तो अभी ऐड मत कीजिएगा, मार्केट का भी थोड़ा समझिए। क्योंकि अगर यहाँ से फॉल करता है, अगर बिटकॉइन यहाँ से फॉल करेगा तो उसको जो रेसिस्ट जो सपोर्ट है बहुत नीचे में, तो अगर यहाँ देखेंगे इसका साइकिल कितना परसेंट का पड़ेगा आपको, यहाँ से देखिए आसपास, यहाँ से 30%, समझ रहे हैं, यहाँ से 30% का फॉल हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अब मार्केट जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से न्यूज़ आ रहे हैं, जिस तरह से ये प्रोग्रेस हो रहा है, तो उसके ये डर तो हमेशा आपको रखना चाहिए। क्योंकि अगर आपका पास डर रहेगा तो आप उतना सेफ खेलोगे, राइट। अगर आप सोचोगे नहीं यार यहाँ से ऊपर चला जाएगा, यहीं पर डाल दे तो बहुत अच्छे डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है, तो ऐसा ना कीजिए। आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि देखिए मार्केट को आपको रेस्पेक्ट देना होगा। ऐसे नहीं कि आपके कहने से मार्केट चलता है, मार्केट ऐसा नहीं करता, वो अपना एक हिस्ट्री बना के रखा है, उसी हिसाब से चलेगा, ठीक है। अगर इसको आप 1 डे कैंडल में देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाता है क्यों ये हमेशा फॉलो अप करता है अपने आप को। देखिए हमेशा आया, एक यहाँ सपोर्ट बनाया, राइट। देखिए यहाँ पे पहले इसने एक रेसिस्टेंस किया था, उसी को सपोर्ट लिया, यहाँ पे फिर से वहाँ से ऊपर उठा। तो यहाँ पर भी यही हो सकता है कि यहाँ पे अगर आपको सपोर्ट उसको मिलता अच्छा खासा, तो आपको अच्छा खासा मूव आगे नज़र आएगा। तो बस उसी के लिए वेट कीजिए, ठीक है। मार्केट को थोड़ा सा रिकवर होने दिए या फिर मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल होने दिए, उसके बाद ही अपना पोर्टफोलियो में और कुछ अगर आपको ऐड करना है। येस गाइज, अभी आपको मीम टोकन्स में इतना ध्यान मत दीजिए, अभी जो आपको ध्यान देना है, जितने भी आपके यहाँ टॉप 15 से टॉप 20 है, आप आँख बंद करके किसी में भी आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप धीरे धीरे इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर होता कि 500 हज़ार करके जो भी अभी जब तक मार्केट डाउन है आप उसको कर दीजिए, आपको अच्छा खासा ये 30-40% का प्रॉफिट आने टाइम पर, लेकिन कुछ ही टाइम पर आपको दे देगा।
क्योंकि अभी ये मार्केट जिस तरह से है आपको डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है। देखिए एक बार में जब ये ग्रो करता है तो एक दिन में 2%, 3%, 3-4%, अब जब ये फॉल किया आपको देखिए 10%, 7%, 10%, देखिए ऑलमोस्ट अब 10-10% का फॉल है। तो इसीलिए अभी आपको जो भी लेना है आप ये समय इन्वेस्ट कर सकते हैं अभी, क्योंकि अगर आपको इसे पॉलीमेटिक्स लेना है या पॉलीगोन का मेटिक्स लेना है तो आप यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। क्योंकि इसका जो अगर प्राइस आप देखोगे तो रिसेंट टाइम पे इसका जो प्राइस गया हुआ था, देखिए ठीक है। तो आपको अभी जितना भी अल्ट कॉइन्स में, ये सब कॉइन्स में आपको इन्वेस्ट करने का अभी टाइम है। मीम टोकन सबको थोड़ा सा साइड में कीजिए और जो भी आपको फंडामेंटल टोकन है उनको इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ 217 रुपये गया था, अभी आपको कितना मिल रहा है, 150, मतलब आपको आसपास की 60-70 रुपये का आपको डिफरेंस में अभी प्राइस मिलेगा। क्योंकि अभी और थोड़ा सा नीचे जा सकता है या फिर साइडवेज कर सकता है, तो आपको होल्ड कीजिए, उसी हिसाब से अभी इसमें आप एडिंग कर सकते हैं। सो गाइस आज इसी हिसाब से अगर आप अपना मनी मैनेजमेंट करते हो या फिर अपना सेंटिमेंट, मार्केट का सेंटिमेंटल में मत जाइए आप अपना, अगर नीचे भी देखिए मार्केट आप अगर आए हो तो मार्केट नीचे भी जाएगी ऊपर भी जाएगी, राइट। सो आपको उसी हिसाब से आपको मनी मैनेजमेंट भी करना है। सो आप इसमें आराम से ध्यान से रखिए कि यहाँ से अगर ऊपर जाती है तो हम, अगर आपको ऐड करना है या फिर ऐसा कुछ मार्केट में हलचल करना है आपको या फिर कुछ आपको ट्रेडिंग करना है तो यस आप आसपास इधर करिए, अभी मत कीजिए। क्योंकि अभी यहाँ पे मार्केट अभी पता नहीं अभी यहाँ से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे देखिए अगर लगातार 3 कैंडल, यहाँ पे 4 घंटे का 3 कैंडल देखेंगे तो ये अपने आपको होल्ड कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। अगर यहाँ स्टेबल होता है तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा लेकिन फिर से नीचे आ सकता है, तो वेट कीजिए कि आसपास यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ही आप अगर मीम टोकन से अगर इन्वेस्ट करें, देखिए टोटल अगर ये टॉप 15 अगर अच्छा करता है, टॉप 15 टोकन जो है यहाँ पे, ठीक है, टॉप 15 या टॉप 20 टोकन्स अगर यहाँ पे ये सब अगर अच्छे करते हैं एवरेजली, अगर जितना एवरेज करते हो, अगर जितने भी मतलब 20 में से अगर 15 अच्छे कर रहे हैं तो आपको मीम टोकन में भी आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है क्योंकि ये सब बड़े मार्केट है, इनके वजह से ही सारा चीज़ फॉलो होता है। अगर बिटकॉइन फॉल करे तो सारा का सारा फॉल करता है, तो ये बात को थोड़ा ध्यान में रखिए, ठीक है। क्योंकि आपका पैसा है, आपको थोड़ा सा जितना हो सकता है आपको सेफ खेलना है यहाँ पे, क्योंकि इसका जो मूवमेंट जो होता है, जो फॉल होता है या फिर अप होता है, तो बहुत बड़ा बड़ा छलांग मारता है 10%, 15% का। तो उसको ध्यान में रख करके अब इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच सिचुएशन में आ जाइए इसमें, ठीक है। तो गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो गाइज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।